हम लोग लिटरेचर तो पढ़ ही रहे थे, आज ग्रामर की शुरुआत करते हैं। और ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे निरेशा। सबसे पहला टॉपिक लेंगे नरेशन। बेटा नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन। कई भागों में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि नरेशन क्या है, ठीक ना? तो हम साधारण रूप से अपनी भाषा में कह सकते हैं, शब्दों का वह समूह या ऐसा लिखिए बेटा, किसी वक्ता के द्वारा बोला गया, वक्ता माने बोलने वाला, किसी वक्ता के द्वारा बोला गया सार्थक शब्दों का समूह। किसी वक्ता के द्वारा बोला गया सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? कथन कहलाएगा। सीधी सी बात है, वक्ता जो होता है बुल्डा, जो सामने बोलता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सार्थक शब्दों को बोलता है तो वही सार्थक शब्द नरेशन कहलाता है, कथन कहलाता है, स्पीच कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे नरेशन क्या है, ठीक ना? जैसे कहा जाए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड, बेटा एकदम सार्थक है। जो वक्ता है वह अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कह रहा है कि आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ, या एक असर्टिव भाव है, एक साधारण सा भाव प्रकट कर रहा है। तो बेटा नरेशन पर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार। पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। बेटा प्रत्यक्ष कथन को हम हिंदी में कहते हैं किसी वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों ठीक उसी प्रकार से कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। किसी वक्ता की कही बात को ज्यों का त्यों ठीक उसी प्रकार से कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये बात आपको विदित हो रही है,
की डायरेक्ट नरेशन क्या है, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ठीक उसी प्रकार से कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूरा तो नहीं आ रहा है लेकिन मेरी बात तो सुनाई पड़ रही है, इसलिए आप नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं और आगे। तो आपने डायरेक्ट नरेशन को देखा कि डायरेक्ट नरेशन है क्या, किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ठीक उसी प्रकार से कहना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। बात समझ में आई? तो हाँ बच्चों, जैसे एक उदाहरण लिखते हैं। लिखते हैं ही सेड, टू मी मोहन वांट टू गो आउट। उसने मुझसे कहा कि मोहन बाहर जाना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि मोहन बाहर जाना चाहता है, तो जाने दो। बेटा देखिए, जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसके दो भाग होते हैं, एक भाग और दूसरा भाग। क्लियर हो रहा है बेटा? वह भाग जो कामा से पहले होता है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और वह भाग जो कामा के अंदर होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। बेटा जो कामा के बाहर होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यह तथ्य आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो आगे बढ़े। तो बच्चों ध्यान ये देना है कि कहीं ना कहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हमें समझ लेना चाहिए। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब की बात किया जाए तो इसमें ही जो सेड है ये आपका वर्ब है और एक फाइनाइट वर्ब है, आप तो जानते हैं। बेटा सेड का वर्ब सब्जेक्ट है ही, और सेड का ऑब्जेक्ट है मी। क्लियर हो रहा है? बेटा सेड का सब्जेक्ट है ही और सेड का ऑब्जेक्ट है मी। स्पष्ट हुआ? तो बेटा हम कह सकते हैं कि ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सेड वर्ब है। ध्यान ये रहे कि सेड वर्ब जब ऑब्जेक्ट लेगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू का भी प्रयोग किया जाए। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं बेटा। रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या क्या देखना है? रिपोर्टेड स्पीच में बेटा वर्ब देखना है, क्योंकि वर्ब से हमें टेंस की पहचान होती है, और वर्ब से पहले का भाग आपका सब्जेक्ट होता है जहाँ तक असर्टिव सेंटेंस की बात है। शेष आगे का एक फ्रेज है गो टू आउट, टू गो आउट। क्लियर हो रहा है? इस तथ्य को हमें देखना होता। क्लियर हुआ? एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कौन सा भाग है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चीजें हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस को कहां से पहचान सकते। तो आगे बढ़ रहा है बेटा। एक क्लियर हो गया और दूसरा है एक आपका हुआ डायरेक्ट नरेशन, तो दूसरा आपका है इनडायरेक्ट नरेशन। क्या भैया?
इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन बेटा इसको हिंदी में हम कहेंगे अप्रत्यक्ष। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कथा। क्लियर हो रहा है? इसको हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बेटा अपने शब्दों में अपने ढंग से अपने हाव भाव में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है ठीक ना। वक्ता के द्वारा कही बात को अपने शब्दों में अपने ढंग से अपने हाव भाव में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे बताओ उदाहरण दिया जाए ही टोल्ड मी दैट मोहन वांटेड टू गो आउट। ही टोल्ड मी उसने मुझसे कहा कि मोहन बाहर जाना चाहता है। आपने देखा बेटा जहाँ सिर था वहाँ टोल्ड हो गया, यहाँ से टू गायब हो गया, कामा गायब हुआ, इन्वर्टेड कामा गायब हुआ। क्लियर? टेंस भी बदल गया, एक वाक्य बन गया। क्लियर हुआ? डायरेक्ट नरेशन में जहाँ पर दो भाग थे वहाँ इनडायरेक्ट नरेशन में भी दो भाग हैं, लेकिन ये कंजंक्शन दैट से जुड़े हुए, इसे दैट क्लॉज भी कहा जाता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो स्पष्ट है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में अपने ढंग से अपने हाव भाव में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। बच्चों नोट कर लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। आइए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का परिवर्तन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस का परिवर्तन बेटा जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, अगर होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, हो सकता है दोनों रहें, या फिर अन्य चीजें भी आ जाती हैं फ्रेज वगैरह, अंत में फुल स्टॉप रहता है, यही आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। क्लियर?
आज हम इस असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो बेटा आइए हम एक साधारण सा नियम लिखते हैं, तब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कुछ बेटा जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसी की बात हो रही है। पहला आप लिखेगा सेड का परिवर्तन। कौन सा सेड? मैं गलत बोल गया, सेड का परिवर्तन कौन सा सेड है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर हुआ? जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट है उसको हम बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में, से को टेल में, सेस को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, सेइंग को टेलिंग में बदल देते हैं। बेटा एक शर्त है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में, सेड को टोल्ड में, सेस को टेल्स में, सेइंग को टेलिंग में बदल देते हैं। बेटा नोट करिएगा, हाँ ध्यान ये रहे कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सेड का सेड रहता है, से का से रहता है, सेस का सेस रहता है, सेइंग का सेइंग रहता है, या एक सामान्य सा परिवर्तन। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा दूसरा नियम है, रिपोर्टिंग वर्क का जो टू है, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रीपोजिशन टू को हटा देते हैं। टू को क्या किया आपने? हटा दिया। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट, कॉमा और इनवर्टेड, कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दाएं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ भैया? इतना परिवर्तन सामान्य सा परिवर्तन है जब आप असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। बेटा ये रहा आपका पार्ट वन, और इस पार्ट वन के या लेक्चर वन इसके अंतर्गत यहीं तक, क्योंकि आप सुन रहे होंगे जो सराउंडिंग है नॉइजी है, इसलिए मैं आज का अध्ययन कार्य स्थगित करता हूँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है। कल हम टेंस संबंधी रूल इसमें पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।